ग्वालियर हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने शिवपुरी के करीरा में रहने वाली एक नवविवाहिता के संदिग्ध परिस्थितियों में ससुराल से गायब होने के मामले में सरकार को निर्देशित किया है कि वो संबंधित पुलिस थाने से इस युवती के बारे में जानकारी मुहैया कराकर न्यायालय में पेश करें। अब इस मामले में 20 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। इसमें अमानवीय पहलू यह भी है कि युवती का पति उसे कम दहेज लाने का ताना देकर जमकर मारपीट करता था और उसके फोटो और वीडियो बनाकर युवती के पिता और भाई को व्हाट्सएप पर सेंड करता था। ये कल दिनांक 13 को माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर की डिवीजन बेंच के समक्ष ये मामला लिस्टेड था, जो कि हैबियस कॉर्पस पिटीशन है। ये संतोष कुमार राजपूत हैं, जो कि अपने ग्राम कटापुर जिला दतिया के निवासी हैं। इन्होंने 2021 में अपनी बेटी करिश्मा और ललिता की शादी की थी, रेस्पॉन्ड नंबर 5 भज्जू और संतोष राजपूत निवासी करेरा के साथ में। तब जाके उन्होंने इधर उधर सर्च किया, सर्च करने के बाद भी जब नहीं मिली तो फिर पुलिस को शिकायत की और पुलिस ने जब जो कोई कार्रवाई नहीं की तो माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत की के रूप में, जिसमें जो है कल अंतरिम आदेश पारित करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देशित किया है संबंधित पुलिस थाने को कि जो है लड़की को सर्च करें, सर्च करने के बाद उसका कथन अंकित करें, मामले में और भी जो कुछ जांच करनी है आरंभिक जांच करें और रिपोर्ट तैयार करके माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अगली तिथि पर पेश करें।